हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस को लेके लगातार लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर हर जिले से आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर में तबाही का मंजर है। आलम यह है कि 300 के आसपास हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और तकरीबन 30 मौतें हो रही हैं। आज फिर यानी शुक्रवार को 19 सब जले हैं, 10 आने का इंतज़ार है, यानी 29 सब जल चुके हैं। माने 29 मौतें आज हुई हैं, यानी शुक्रवार की ये रिपोर्ट है। इससे पहले भी 28 और 32 मौतें हो चुकी हैं। देखिए कुछ शमशान घाट के नज़ारे। हम फिर लोगों को सचेत करेंगे जो कोरोना को बेहद लापरवाही से ले रहे हैं, इसे मजाक बना रहे हैं। वो ये नज़ारे ज़रूर देखें, क्योंकि सतर्कता में ही जिंदगी है, लापरवाही में तो मौत मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना के हाल बुरे हैं। आलम यह है कि ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन का टोटा और हॉस्पिटलों में बेड न होने की वजह से कोरोना पीड़ित बीमारों के इलाज के अभाव में मौत हो रही है। मध्य प्रदेश के सागर में हर रोज 300 के तकरीबन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा हर रोज मौतें हो रही हैं। सागर के शमशान घाट के आज के ताजा हालात बयां करते हैं। कि अभी तक 19 शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, बाकी 10 शव आना भी बाकी है। इतना ही नहीं, इससे पहले 28, उससे पहले 32 शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। शमशान घाट के कोविड सेंटर प्रभारी कहते हैं कि हम पूरे दिन शवों का सिर्फ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोविड सेंटर से निकली लाश का अंतिम संस्कार नगर निगम या नगर पालिका के दायरे में होगा। आज नरियावली नाका मुक्ति धाम में अभी तक हम लोग 19 बॉडी को डिस्पोजल करा चुके हैं। नगर निगम के द्वारा लकड़ी की व्यवस्था की जाती है, तेल की व्यवस्था की जाती है और हमारे ही कर्मचारियों के द्वारा उनका पूरा संस्कार किया जाता है। सभी सहूलियत आ रही है। परेशानी हम लोगों को ये जा रही है कि जैसे अगर 10 बॉडी आ जाती है तो 10 परिवार के सदस्य आ जाते हैं, 100 लोग हो जाते हैं। परिवार के सदस्य कहते हैं कि हमें मुंह देखना है, कोई कहता है हम लोग 4 लोग करेंगे। ये समस्या परिवार के लोग पैदा करते हैं। काकागंज में और यहाँ नरियावली नाका की मिला के 28 कलमी है और आज 31 हो गए। आज शुक्रवार को 29 मौतों की खबर है, यानी महज 48 से 60 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यह भयावह स्थिति है। ऐसे में अब सागर जिले के लोगों को कोरोना से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ जहां हॉस्पिटलों में पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसे में अगर घर के बाहर निकलने का आपने जोखिम उठाया तो समझो मौत को दावत दे दी। बेहद सतर्कता से ही घर से बाहर निकले, यही आपसे गुजारिश है। मौतों के आंकड़े सागर की जनता को विचलित कर रहे हैं। शमशान घाट से कुछ शिकायतें आई हैं। शमशान घाट के आसपास रहने वाले वासिंदों की यह शिकायत है कि शमशान घाट में अध जले शवों से दुर्गंध आ रही है, जिसकी शिकायत लगातार आ रही है। आ रहे हैं जैसे 20 किलो हुई नकड़ी, 30 किलो बस ऐसे जला जला के आधा छोड़ के जा रहे हैं, आधा नहीं छोड़ के जा रहे हैं, मतलब ऐसे। और फिर वो हवा हवा चालू होगी ना कि बदबू आने लग जाती है हम लोगों के घर में, इसलिए हम लोगों ने उठाया है कि आप लोग आओ और थोड़ा देखो आप लोग। जली लाश ये तो जला रहे, देखो इसलिए हम लोग जली लाश छोड़ रहे हैं। एक आया देखो, अब तुमने कैमरा भी लिया। प्रशासन और सरकार से यही गुजारिश है कि आपकी लापरवाहियां और बद इंतजामियों से पहले ही कोरोना के चलते मौतों का मंजर सामने आ रहा है। परिवार टूट रहे हैं,
कृपया करके इन लाशों की रुखसती बड़े सम्मान से करें, ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिल सके, उसके परिवारों को दुख ना हो। नफीस खान के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस में हो सागर।